अभी ये लगा दिया है भैया ने, ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी हो रहा है 2 o'clock, आज है 28 दिसंबर। एक्चुअली आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को दिखाने, क्योंकि उसका ब्रेक काम नहीं कर रहा है और बाकी GoPro भी मेरा दिक्कत कर ही रहा है। सो अभी मैं जाऊँगा रानी बाग शोरूम पे, क्योंकि इसका ब्रेक चेक कराना है। ब्रेक में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और हल्द्वानी में ना भाई कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है। देख रहे हो आप, ये अंदर से एक जैकेट पहनी हुई है मैंने अपने ट्रैक सूट वाला, और बाहर से ये वाली जैकेट डाली हुई है। बहुत ज़्यादा तगड़ी ठंड लग रही है। सो आप लोग भी बताना कमेंट बॉक्स में आप लोगों को यहाँ कितना ठंडा हो रहा है। अभी यहाँ से चलते हैं। GoPro तो दिक्कत कर ही रहा है, कभी वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, कभी फ्रिज हो जा रहा है, तो उसमें तो दिक्कत आ ही रही है। और पहले आज गाड़ी से ही करवा लेते हैं, और अभी लगे हाथ अपना इधर से जाऊँगा। वो बोल रहे थे एक बार आप मेमोरी कार्ड चेक मतलब चेंज करके देखना, तो मेमोरी कार्ड भी वहाँ से मैं एक लेके जाऊँगा, SD कार्ड, तो उसको चेक करेंगे फिर क्या होता है बताते हैं। सो ये है कृष्णा, यही इंसान है जो मेरी गाड़ी को सबसे ज़्यादा छेड़ते रहता है यहाँ पे, और आज ये मेरे साथ चलने वाला है, इसको मार्केट में काम है। ठीक है, बोल रहा गाड़ी पीछे करता हूँ, लेकिन नीचे से लॉक खोलना है बिना, ऊपर चाबी लगा रहा है। सो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं हल्द्वानी में कोहरा का कोहराम, मतलब एकदम कहर है कोहरे का अभी। और अभी हम जाएंगे GK फोटो स्टूडियो में, वहाँ से उठाऊँगा SD कार्ड, क्योंकि मुझे चेक करना ना SD कार्ड। अगर मेरा SD कार्ड ख़राब होगा तो तभी नया लूँगा, अदरवाइज़ क्यों नया लूँगा। उनसे चेक करने के लिए सिर्फ SD कार्ड यहाँ से लेके जाएंगे भैया से, तो फिलहाल चेक करवा लेते हैं SD कार्ड, यहीं पर लगा लेते हैं। ले मॉल आ गया है, आ जा फिर अंदर आ, चलते हैं भैया से पूछ। भैया कैसे हो? बढ़िया। अरे आज भैया कहाँ वाले? अभी कहीं गए हूँ। अच्छा, वो मेरे से बोल रहे थे ना SD कार्ड एक बार चेक कर लेना, तो SD कार्ड दे दोगे मुझे एक चेक करने के लिए सिर्फ। चेक कर दो। Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. 'Cause I've been here before and said goodbye. Oh, I are you the one when. सो अभी कृष्णा उतर गया है यहाँ पे, ये जा रहा है विशाल मेगा मार्ट में शॉपिंग करने। सामने है विशाल मेगा मार्ट, चल फिर हाँ चलते। सो अब ये करेगा इधर शॉपिंग और मैं कराऊंगा गाड़ी सही, फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। यार वाइजर बंद करके ना साला दिक्कत होती है, बहुत सारा वास्प बन जाता है, पूरा फेस वेस सब गीला हो जाता है। सही में यार, पता है जो चीज़ों का हम रेगुलर यूज करते ना, अगर वो चीज़ें थोड़ा वर्क ना करें ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और भाई ठंड ने तो कहर ढा रखा है भाई हल्द्वानी में, सच में बता रहा हूँ। और यार ये पता है, ये जैसी मतलब अगर कितनी लंबी पैंट भी पहन लो ना, ऊपर बैठोगे ना मुड़ जाती है, नीचे से लगती है ठंड। इसके लिए चाहिए बड़े वाले सॉक्स, बिल्कुल घुटने तक हों, तब तो सही है। और वॉकवे देखो, वॉकवे में न्यू ईयर में होगा प्रोग्राम तगड़ा। तो यार जो लोग ना स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस को देखते हैं, उन लोगों को पता होगा यहाँ से जब मैं पहुँचता था तो सारे अपने पहाड़ क्लियर दिखते थे। आज देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहे हैं, पूरा धुंध है। सो जैसा मतलब वो बरसात में वो लग जाता ना आपका, पूरा कोहरा लग जाता है वैसे, और गर्मियों में आग से हो जाता, पूरा वही वाला सीन हो रखा। ठंड हो रही तगड़ी वाली, स्कूल के बच्चों की अभी छुट्टी भी हो रही है, तो थोड़ा सा रश भी ज़्यादा है और स्लो स्लो निकलना पड़ रहा है। और कुछ लोग तो भाई आंख बंद करके गाड़ी चलाते हैं, उन लोग उसे सेफ रह के चलना तो पड़ता ही है। बाकी फ्यूलिंग भी करवानी है। उस दिन हरीश साले वाले ट्रिप में ना बहुत तगड़ा फ्यूल लगा मेरा, और नुकसान भी हो गया, लेकिन एडवेंचर नेक्स्ट लेवल का था। हमेशा मेमोरेबल ट्रिप रहेगी, मतलब मेमोरी में कैप्चर है वो सारी चीज़ें, और नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो
तो चलो आराम आराम से चलते हैं और सीधे पहुंचते हैं अब शोरूम में, ठीक है नहीं, मज़े से। अभी पता नहीं वॉइस आ रही होगी नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं तो उस चीज़ से परेशान हूँ भाई, आधा तो ध्यान हो ही जाता कि भाई क्लिप बनी होगी नहीं बनी होगी। पता है हरिस्ताल से अच्छी अच्छी क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी हुई थी, वॉइस ही नहीं आ रहा था भाई, कितना ओवर वॉइस करके डालता, फिर ओवर वॉइस मो वाली फीलिंग नहीं आती ना बढ़िया वाली। ओए ओए ठंड 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 रखो भाई, ठंड रखो। सो यार देखो आप जैसी रानी बाग पहुंचे ना भाई, यहाँ से ठंड बहुत तगड़ी और लग रही, और बोलते हैं क्या। सो यार जैसे ही रानी बाग पहुंचा ना, ठंड का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, बढ़ रही इधर ठंड तगड़ी वाली भाई, नीचे के मुकाबले इधर ज़्यादा ठंड है, क्योंकि हिल एरिया स्टार्ट हो जाता है ना, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो ज़्यादा ठंड रहेगी। आज मुझे बहुत टाइम लग रहा जाने में, क्योंकि सिंगल ब्रेक है तो स्लो स्लो चलो, स्लो स्लो हैं वो तो थोड़ा थोड़ा रोड में, मतलब चढ़ाई टाइप है तो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर को इतना दिक्कत नहीं हो रहा, अगर डाउन होता ना, डाउन में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं शोरूम के पास में, ये है अपना रॉयल इनफील्ड का शोरूम, और चलते हैं नीचे भाई। ये पता है रॉयल इनफील्ड वालों ने यहां पर ये रास्ता सही नहीं कराया भाई, सच में यार पता ये इनका इतना पर्सनल इतना अच्छा खासा बिजनेस होता है तो इसको आराम से सही करा सकते हैं, तो देख लेते चेक करवा लेते बढ़िया करके इसको। ओए होए अरे इसका पीछे वाला ब्रेक फंस रहा है यार पूरा ना, वो दवा रह जा रहा तो दवा ही रह जा रहा। अनिल भैया को कॉल किया था, दवा ही रह जा रहा हो कभी दवा रह रहा तो ना, ये दवा ही रह जा रहा, दिक्कत हो रही यार। अनिल भैया दिखवा दो यार, वो पीछे वाला ब्रेक ना कैसे हो, वो पीछे वाला ब्रेक अगर दब रहा तो दवा ही रह जा रहा पता, दिक्कत हो रही यार, सिंगल ब्रेक में ही चलाना पड़ रहा। ब्रेक पैडल ना ये दबाए रह जा रहा कभी, हो अभी तो आ जा रहा ऊपर को, दिक्कत आएगी, चेक करवा दो यार। फाइनली अपना साइलेंसर उतर चुका है नीचे, और भैया कर रहे हैं इसका ब्रेक पैड अब चेंज होगा पूरा ही सब सिस्टम, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पूरा ही ख़राब हो चुका है तो पूरा चेंज कर रहे हैं। जो इसका ये है ना, मतलब थोड़ा सा नीचे करोगे, बड़े वाले ब्रेकर होते तो उसमें भी टकरा जाता है, नीचे दिक्कत तो होती है इसमें। अभी ये लगा दिया है भैया ने, ये वाला पोर्शन ये थोड़ा लेवल पर आ चुका है, और अभी कर रहे हैं इसका ब्रेक ऑयल चेंज, देख सकते हैं आप लोग ये ब्रेक ऑयल। सो अपना काम कर रहे हैं दिलसाद भाई, दिलसाद भाई हैं इधर, ये देखिए ना भी दिलसाद भाई सामने। सो चल रहा है इधर काम, अभी देखो कितना टाइम लगता है यहाँ पे, हो ही रहा है कंटिन्यूसली काम यहाँ पे। सो दोस्तों आप देखें दिलसाद भाई लगे हुए कब से, और अभी कर रहे हैं इधर से सिलेंडर सही, देखिए आप लोग। इसको लगा के वो नहीं लग रहा था, इसके नट सही नहीं आ रहे थे, नहीं
क्लिप आगे से और उसकी चौड़ी है, वो तो दबानी पड़ेगी तब निकलेगी। डाउन करो उसको, खींच के निकल जाएगी। कृष्णा, और क्या क्या शॉपिंग करके लाया तुमने आज? ये लाया था यार। क्या क्या लाया? टोपी गले का हो गया, ये ग्लव्स हो गए, ग्लव्स लेके आया, टोपी लेके आया। और बढ़िया हो रहे सब? बस सही हो रहे हैं। ठंड कितनी हो रही? ठंड तो गाइस, ये हमारा क्रिसमस ट्री अभी भी लगाई हुआ है, देखो आप। और हमारा ये नाइट का चीता देख ले, इधर को शक्ल दिखा दे सबको अपनी। ये एक और आ रहा है अभी। क्या क्या लेके आ रहा है? क्या क्या सामान ला रहा है? ये दीपक सामान के साथ भी डांस दिखाएगा दीपक आज। ये दीपक एकदम मस्त मौला इंसान है। भाई चाबी तो दे दो। चलो भाई करो करो काम। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा कह रहा हूँ? पहु वाले ने। और दीपक क्या हाल चाल हो रहे हैं? क्या क्या होता है? एसी में गर्म वाले हीटर नहीं लगे अपने पास। इसका ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इसका बाउचर। हाँ हाँ बाउचर कटेगा इसका, 500 रुपये एडवांस का। ये देखो ये बेटा कह रहा है उससे, बेटे को देखो बाप को देखो, बेटा बुड्ढा लग रहा है, बाप जवान लग रहा है इधर है। हैं तेरे भी 233 रुपये देने ना, अगले जन्म में दे दूंगा ठीक है। उधार वाले अगले जन्म में संपर्क करें। एक भाई और आ गया हमारा। हेलो भाई क्या हाल चाल हो रहे? बस बढ़िया हो रहे यार। चार्जर लेना है यार, चार्जर ले यार दुकान से ले यार चार्जर। तो यार फ्रेंड्स वहाँ से आने के बाद ड्यूटी की और आज ना GoPro ने फिर से बहुत ज़्यादा परेशान किया और अपना वॉइस का तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। रिसेट कर दिया है, सब कुछ कर लिया है यार। इनकेस कोई अगर जानता हो तो ना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि अभी 40-50 हज़ार रुपये खर्च करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि इतने पैसे भाई कमाने में 3-4 महीने लगते हैं तो भाई बहुत तगड़ा खर्चा हो जाएगा। और बाकी आप लोग सपोर्ट करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। और गाड़ी का ब्रेक फ़िलहाल सही हो चुका है, अभी 2-1 दिन यूज करते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि कितना वर्क करता है। बाकी आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट, और भाई के चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।